नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की TGT और PGT की आर्ट की क्लासेस में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को अभी भी समय है आपके पास, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए दोस्तों और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मैं लेकर के आई हूँ आज कुछ प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला। मेरी वीडियो जो मेरी पिछली वीडियो है दोस्तों, उसको आप प्ले लिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से प्रश्न हैं महत्वपूर्ण। तो दोस्तों पहला हमारा जो प्रश्न है वो है, कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार जो थी वो थी अंजलि इला मेनन। अंजलि इला मेनन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार जो थी वो थी अंजलि इला मेनन। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, कास्ट शिल्पकार भगत राम किस शैली के कलाकार थे दोस्तों? तो ये थे अपभ्रंश शैली के कलाकार, अपभ्रंश शैली। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है, आइए देखते हैं, किस संग्रहालय को समकालीन कला का मक्का कहा जाता है दोस्तों? तो समकालीन कला का जो मक्का कहा जाता है वह राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय। संग्रहालय नई दिल्ली दोस्तों, इसको नगमा भी कहा जाता है, शॉर्ट नेम है इसका नगमा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, अजंता से संबंधित भित्ति चित्र गौतमी विहार कोलंबो यानी श्रीलंका में किसने बनाए थे? तो वो बनाया था दोस्तों जॉर्ज कीट। दोस्तों ये श्रीलंका के ही थे और इन्होंने अजंता जो विषय, अजंता पर जो बौद्ध धर्म का विषय है उससे संबंधित भित्ति चित्र गौतमी विहार कोलंबो में बनाया था। अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, आइए देखते हैं वो है, तांत्रिक विषयों पर छापा चित्र किसने बनाए? तो तांत्रिक विषयों पर छापा चित्र बनाया था दोस्तों पी टी रेड्डी। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, डार्लिंग गेट मी अ बेबी मेड चित्र किसका है? बहुत ही मशहूर प्रिंट मेकर है दोस्तों, वो है अनुपम सूद। बहुत सारे दोस्त ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुपम सूद लेडीज हैं या जेंट्स है दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि अनुपम सूद जो है वो महिला कलाकार है। अगली हमारी जो, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंट मेकर है, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, पेंटिंग ऑफ नाथ द्वारा स्कूल इस विषय पर शोध ग्रंथ लिखकर PhD की उपाधि किस कलाकार ने ग्रहण की थी? तो वो थे दोस्तों शैल चोयल। हमारे 30-30 प्रश्नों की श्रृंखला इसी प्रकार दोस्तों आपके सामने आती रहेगी। आपको इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन की इस तरह से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा आपके पास, और जब रोज का रोज आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, जापानी तकनीक काकी मीनो का अर्थ क्या है? तो ये इसको कहते हैं दोस्तों कुंडली चित्र, जापानी भाषा में इसे काकी मीनो कहते हैं, कुंडली चित्र। अगला हमारा जो प्रश्न है वो आइए देखते हैं, कौन सा चित्रकार अपने चित्रों में अधिकांश खिड़कियों को चित्रित करता था? तो दोस्तों वो है सुरेंद्र के भारद्वाज। हमारी वीडियो में दोस्तों हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। आइए आपको अगला हमारा जो प्रश्न है वो देखते हैं, मंजीत बाबा ने बांसुरी बजाने की शिक्षा किससे ली थी? तो मंजीत बाबा ने बांसुरी बजाने की शिक्षा मशहूर बांसुरी वादक पन्ना लाल घोष से ली थी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, समकालीन मूर्तिकार
जो फाइबर ग्लास में चटक रंगों वाले आदम कद महिला मूर्तियों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, तो वे हैं रविंद्र रेड्डी। दोस्तों इनका जो फेवरेट माध्यम रहा है वो फाइबर ग्लास ही रहा है। तो हमारे चैनल के साथ दोस्तों आप बने रहिए, हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्त अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको नई नई नोटिफिकेशन, नए नए विषय पर आपको कंटेंट मिलते रहेंगे, इसमें फायदा आपका होने वाला है। आइए देखते हैं आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कलाकार पर खजुराहो की मूर्ति कला का प्रभाव पड़ा? खजुराहो की मूर्ति कला से वो प्रभावित होकर थे एफ एन सुजान भी कहा जाता है, सुजा भी कहा जाता है इनको दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अधिकतर न्यूड चित्र बनाए हैं, इसलिए ये खजुराहो की मूर्ति कला जो बनी हुई है मध्य प्रदेश में उससे प्रभावित होकर ही बनाया है। अगले हमारे जो है प्रश्न है, लेटी हुई अनावृत नारियां किस चित्रकार ने चित्रित किया है? लेटी हुई अनावृत नारियां चित्रित किया है के एच आर। अगला हमारा जो प्रश्न है, आइए देखते हैं, स्पेस डिवीजन यानी अंतराल विभाजन किसके चित्रों की विशेषता है? तो स्पेस डिवीजन या हिंदी में कह लीजिए अंतराल विभाजन, ये विशेषता है जे स्वामीनाथन। दोस्तों अगर हम इसी प्रश्न में मूर्तिकला की बात करें तो मूर्तिकला में स्पेस डिवीजन और अंतराल विभाजन जो होता है वो विशेषता रही है यूरोपियन कलाकार हेनरी मूर की। अगला हमारा प्रश्न है, चतुर्मुखी मूर्ति नारी के इस, ये जो मूर्ति है इस मूर्ति में नारी के चार रूपों को दर्शाया गया है और ये मूर्ति बनाई है यक्का यदागिरी राव, ये मशहूर मूर्तिकार है यक्का यदागिरी राव। अगला हमारा प्रश्न आइए देखते हैं, 1998 में सिनेमा घर नामक संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? वो किया था शांतनु वर्मा। दोस्तों अगला हमारा जो प्रश्न है आइए देखते हैं वो है, जैन शैली के जादूगर किसको कहा जाता है? तो जैन शैली का जादूगर कहा जाता है कैलाश चंद्र शर्मा। इन्हें जैन शैली का जादूगर कहा जाता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, शांतिनिकेतन के मूर्तिकला विभाग के प्रथम छात्र एवं प्रथम अध्यापक कौन थे? दोस्तों वो थे राम किंकर बैच। दोस्तों हम ये चाहेंगे कि ये सभी प्रश्न आपके नोट्स में नोट हो जाएं, ताकि जब भी आपका एग्जाम हो, एक महीने पहले जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न भी आपकी आंखों के सामने आते जाएं और उसका रिवीजन आप करते जाएं। द टनल ऑफ मैन किसकी आत्मकथा है? तो द टनल ऑफ मैन है आर के लक्ष्मण की आत्मकथा, ये मशहूर कार्टूनिस्ट थे आर के लक्ष्मण। इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया है, बहुत ही प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। देखिए अगला हमारा जो प्रश्न आता है वो है, मंजूसा लोक कला ये बंगाल की लोक कला है, इसकी जननी कौन है यानी कहाँ से इसके स्टार्टिंग हुई, किसने किया? तो उनका नाम है दोस्तों जननी चक्रवर्ती। अगला हमारा प्रश्न है, किस कलाकार की कला को प्रोपोगंडा आर्ट के अंतर्गत माना जाता है? तो वो हमारे कलाकार हैं जैनुअल आबेदीन। इनकी आर्ट को प्रोपोगंडा आर्ट के अंतर्गत माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भीमबेटका गुफाओं की प्रतिलिपियां किसने बनाई थी? तो भीमबेटका गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी दोस्तों यशपाल ठीक है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है,
एके स्वामी यानी आनंद कुमार स्वामी ने कंपनी शैली के किस चित्रकार को विलियम ब्लैक के समतुल्य बताया? तो वो कलाकार है, वो कंपनी शैली के कलाकार है राम प्रसाद। इनको उन्होंने, इनकी तुलना उन्होंने विलियम ब्लैक से की है। अगला हमारा प्रश्न है, किसे स्वप्न दृष्टा कलाकार कहा जाता है? तो ये स्वप्न दृष्टा कलाकार दोस्तों विलियम ब्लैक को कहा जाता है, विलियम ब्लैक, इन्हें स्वप्न दृष्टा कलाकार कहा जाता है। कौन सा कलाकार बीकानेरी महाराजाओं के यथार्थवादी व्यक्ति चित्रों का निर्माण किया, किस कलाकार ने? तो वो है दोस्तों ए एच मूलर। इन्होंने जो बीकानेर के महाराज थे उन्हें रियलिस्टिक व्यक्ति चित्र उन्होंने बनाए हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आपका जो है ये प्रश्न देखिए, ज्यामिति कला का प्रणेता किसे माना जाता है? तो ज्यामिति कला का प्रणेता माना जाता है पिएट मोंद्रियान। पिएट मोंद्रियान, इन कला का, इन्हें ज्यामिति कला का प्रणेता माना जाता है। 26 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, ये श्रृंखला आपको इसी तरह रेगुलर मिलती रहेगी। ये हमारे वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। नमस्कार सर।